और वैल्यू जो है वो मैनुअल से दोबारा चूज करते हैं कि हमारा स्लैब किस टाइप का है, उसी टाइप के लिए आप वैल्यूज को चूज कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ पिस्टन कनेक्टर, ये पिस्टन कनेक्टर का डाया कितना था, 20 मिलीमीटर का, हमने एरिया निकाला 5/4d², तो एरिया हमारे पास पिस्टन कनेक्टर का आ गया 340 मिलीमीटर स्क्वायर। और सब इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 4700 × FC-, आपके पास वैल्यू आ गई 21019 MPa। RGRP हमारे पास 1 month के, एरिया ऑफ स्टील सेक्शन या एरिया ऑफ हमारे पास जो स्टड कनेक्टर का था वो 340 मिलीमीटर है। अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 400 MPa होता है और 250 MPa हमारा यील्डिंग स्ट्रेस होता है। यहाँ पे अल्टीमेट की बात हो रही है, 400 / 1000 we got 125.6 kN। अब ये फैक्टर जो है, अगर आप जो QN की वैल्यू फाइंड आउट करो तो QN की वैल्यू हमारे पास आई 0.5 × एरिया ऑफ स्टड कनेक्टर 314, अंडर रूट के अंदर 20 कंक्रीट स्ट्रेंथ इनटू 21019 MPa हमारे पास क्या था, और सब इलास्टिसिटी डिवाइड बाय 1000 अगेन कन्वर्जन फैक्टर, जो वैल्यू आई QN की वो आ गई 108.79 kN, जो कि कम है 125.6 kN से। इट मींस कि हमारा जो जो कंडीशन हमें गिवन है वो कंडीशन हमारी सेटिस्फैक्ट्री आ रही है, यानी कि जो हमने स्टड कनेक्टर और डाया हमने प्रोवाइड किया है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स टोटल कैलकुलेट करते हैं कि बिटवीन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो बेंडिंग मोमेंट के दरमियान हम मैक्सिमम शियर फोर्स कंसिडर करते हैं। कि अगर आप मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कंसिडर कर रहे हो तो तीन आपके पास कंडीशन थी, जो तीनों कंडीशन में से जो लेसर वैल्यू है उस लेसर वैल्यू को हमें चूज करना होता है। पहली कंडीशन क्या थी कि 0.85 FC-AC, 0.85 इज कांस्टेंट कंप्लीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa, एसी यानी कंक्रीट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है 1800 इफेक्टिव टॉप स्लैब फ्लैंक स्लैब की 175 मिलीमीटर हमारे पास डिवाइड बाय 1000 कन्वर्जन फैक्टर वी गॉट फर्स्ट वैल्यू फॉर द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स 5355 kN। अगर हम कंक्रीट स्टील की फाइंड आउट करते हैं तो एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ बाय एरिया ऑफ स्टील 32300 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 250 हमारे पास यूनिट स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 वी गॉट एसी 8075 kN। एंड थर्ड सम ऑफ क्यू नॉट, अब क्यू नॉट नॉट यूज हियर बिकॉज़ वी आर डिजाइनिंग स्टड्स एंड डोंट नो द नंबर ऑफ स्टड्स इन दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देम। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है कि क्यूएन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि क्यूएन हमने तो डिसाइड करना है कि क्यूएन ओवरऑल एक ही स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है हमने कि टोटल नंबर ऑफ स्टड कनेक्टर्स कितने प्रोवाइड करना है, तो हमारे पास दो कंडीशन। अब थर्ड को हम छोड़ देते हैं फिलहाल, हम दो कंडीशन में से जो लेसर वैल्यू है वो हमने चूज कर ली 5355 kN, और मजीद जो सम ऑफ क्यूएन है वो तो हमने कैलकुलेट करना है, वो एंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। शियर कनेक्टर, अब फार्मूला क्या था बिटवीन पॉजिटिव मैक्सिमम एंड जीरो बेंडिंग मोमेंट, टोटल आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो शियर कनेक्टर का, हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वन कनेक्टर, यानी कि हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है शियर फोर्स का वो कितना था, दो वैल्यूज आई थी, जो लेसर वैल्यू थी 5355 थी, डिवाइडेड बाय क्यूएन एक स्टड कनेक्टर की स्ट्रेंथ 101.79 kN जो हमने फाइंड आउट की। अगर हम इक्वेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर कनेक्टर्स तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 52 point something आती है, राउंड अबाउट करके 53 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कनेक्टर्स कितने आ गए 53। सो टू स्टड्स एट ईच क्रॉस सेक्शन एंड एट 27 लोकेशंस इन हाफ स्पैन L/2 शुड बी प्रोवाइडेड, कि आपने टोटल 27 लोकेशंस के ऊपर जो है वो 54 जो है वो स्पैन आपने यूज करने हैं, 54 स्टड्स आपने करने हैं, हर लोकेशन के ऊपर दो स्टड आएंगे, ये तरह आप पीछे पिक्चर्स के अंदर देखा है कि एक W सेक्शन के ऊपर एक एक तरफ जो आपका वन साइड का जो फ्लेंज है वहाँ पे आ रहा होता है, दूसरा अदर फ्लेंज के ऊपर आ रहा होता है, और दोनों का जो पेयर है वो टोटल 27 लोकेशन के ऊपर आपने प्रोवाइड करना है L/2 डिस्टेंस के अंदर, और वही आपका L/2 आगे चला जाएगा अदर एंड के ऊपर, टोटल आपके पास हो जाएंगे 54 × 2 डबल हो जाएंगे जो जो कि हमारे पास 108 के करीब टोटल नंबर ऑफ स्टड कनेक्टर्स आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ये हमारा जो है वो डिजाइन यहाँ पे खत्म हो गया, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टड कनेक्टर्स आ गए। नाउ वी हैव अनदर डिजाइन एग्जांपल जो कि डिटेल्ड डिजाइन एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट कंपोजिट स्ट्रक्चर गिवन है, आपने क्या करना है उसके अंदर, लेट्स सपोज हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट, डिजाइन एंड इंटीरियर
बता रहे हैं बीम, जहाँ पे जो है वो पांच बीम हमें गिवन है जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, जो कि हर बीम आपका 8.5 यानी 8.5 मीटर की लेंथ है उसकी। चार जो है वो बेस है हमारे पास टोटल, जिनके दरमियान की स्पेसिंग है वो बीच के दरमियान वो 2.5 मीटर की स्पेसिंग है। स्लैब की जो थिकनेस है वो हमारे पास 100 मिलीमीटर है। अज्यूमिंग दैट नो शोरिंग विल बी यूज, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, के कंस्ट्रक्शन के दौरान हम कोई भी शोरिंग यूज नहीं कर रहे। यूज ए 36 स्टील कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वी हैव 20 मेगापास्कल स्लैब थिकनेस 100 मिलीमीटर। फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग एंड पार्टीशन लोड इज 155 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। टोटल लाइव लोड एक्टिव ऑन द स्ट्रक्चर इज 750 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड कंस्ट्रक्शन लाइव लोड इज 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो द बीम इज हैविंग अ शेयर कनेक्शन विद द मेन बीम, मेन बीम के साथ एक शेयर कनेक्शन डेवलप करना है आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर का। ट्राई मिनिमम डेप्थ ऑफ द सेक्शन, कि मिनिमम कम से कम डेप्थ का आपने सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है। सो नाउ इन सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करते हैं कि ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए सेक्शन की, जो डब्ल्यू सेक्शन जो चूज कर रहे हैं उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी होनी चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास जो आप अगर रिकॉल करें साइज के ऊपर हमने डिस्कस किया कि अगर आप ओवरऑल डेप्थ या सिंपली सपोर्टेड मेंबर है और उसके ऊपर स्टैटिक लोडिंग एक्ट कर रही है तो डेप्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो एल बाई टू फोर्स से। और अगर आपका मूविंग लोड है व्हीकल्स वगैरह पास हो रहे हैं तो डेप्थ आपकी कैलकुलेट होगी एल बाई 20 से। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मूविंग लोड की बात नहीं हो रही तो हम डायरेक्टली एल बाई 24 यूज करते हैं। एल हमारे पास बीम की मीटर 8.5 मीटर में जो है वो 8.5 हमारे पास लेंथ है जो कि हो जाता है 8500 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 24 इज कॉन्स्टेंट और डेप्थ अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था।
पास ऑलरेडी कितना है 100 का, जो कितने सब स्लैब है नॉर्मल केसेस में, कोई भी एडिशनल स्लैब का जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास जो डेप्थ की ओवरऑल मेंबर की वो 360 का डब्ल्यू सेक्शन हमने चूज किया है। ए हमारे पास क्या था, ए की भी आपको कंडीशन दी गई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 50 मिलीमीटर इनिशियली अज्यूम करना है, अगर आपका सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट नहीं आते तो उस केस के अंदर आप ए को रिवाइज करोगे। तो अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट हमारे पास क्या आया, 381.41 × 10⁶ हमारे पास जो है अल्टीमेट फैक्टर मूवमेंट आती है जिसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है 10⁶ से, होल डिवाइडेड बाय टी बाय 2 360/2 प्लस 100 बाय को टी माइनस ए 50/2 इनटू 5.9 अल्टीमेट यील्डिंग स्ट्रेस 250 इनटू 0.00785। तो टोटल हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो सेल्फ वेट आया वो 52.18 किलोग्राम पर मीटर आया। अब अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट चाहिए कम होना चाहिए 10% ऑफ द डेड लोड से जो कि 99 किलोग्राम पर मीटर था, तो वी आर ऑन द सेफर साइड एंड कैन बी रिवाइज आल्सो। अगर आपका यहाँ पे ये वैल्यू 100 से या 99 से ज़्यादा आ रही होती उस केस के अंदर आप मेंबर्स को दोबारा से जो है वो रिवाइज करते या कितने सब स्लैब बढ़ा देते या ओवरऑल डेप्थ ऑफ द मेंबर बढ़ा देते। जो आपकी 360 डेप्थ है उस सेक्शन को आपने दोबारा से 365 का ले सपोज यूज कर लेते। So now we are assuming that the slab neutral axis lying within the slab. अगर हम neutral axis को assume करते हैं कि slab के अंदर lie कर रहा है, तो space के अंदर हमारे पास required area of steel जो आ जाता है, that is ultimate moment divided by phi into Fy, b by 2 plus thickness of the slab minus a by 2. अब ultimate moment 381.41 × 10⁶, phi factor 0.9, ultimate yielding stress we have 250 into d 2 प्लस थिकनेस ऑफ द स्लैब वी हैव 100 माइनस ए अगेन हमने अज्यूम किया था 50 का डिवाइड बाय 2, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड आ जाता है जो हमारे पास 6648 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो आप डब्ल्यू सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो उसका टोटल एरिया जो है वो आपको रिक्वायर्ड है जो उसका कम से कम होना चाहिए 6648 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने जो ट्रायंगल सेक्शन चूज किया था और हमारे पास टोटल डेप्थ 358 मिलीमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16000 × 10⁴ मिलीमीटर पावर 4 है, ब्रेथ ऑफ द फ्लेम वी हैव 172 मिलीमीटर। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है कंडीशन गिवन की ट्रायल सेक्शन जो हमने चूज किया एलआरएफटी मैनुअल से होगी। सो इफेक्टिव स्लैब विड्थ, अब इफेक्टिव स्लैब विड्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, शुड बी द स्मॉलर ऑफ एल बाय 4। अब एल बाय 4 हमारे पास कितना था, 8.5 मीटर, जिसको हमने 8500 मिलीमीटर डिवाइड बाय 4 तो 2125 मिलीमीटर आ गया। और सेकंड होती है स्पेसिंग बिटवीन द मेंबर्स, अब स्पेसिंग बिटवीन द मेंबर्स 25 यानी 2.5 मीटर थी तो 2500 मिलीमीटर हो गई, तो दोनों में से जो कम वैल्यू है वो 2125 मिलीमीटर है जिसको हमने इफेक्टिव स्लैब विड्थ के तौर पे चूज किया 2125 मिलीमीटर। अब हम चेक करते हैं उसके लिए हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए हमारा किस क्या वैल्यू होती है, एरिया ऑफ स्टील इनटू एफवाई डिवाइड बाय 0.85 इनटू एफसी डैश इनटू इफेक्टिव प्लेन विड्थ। जो एरिया ऑफ स्टील है वो हमारे पास जो सेक्शन हमने चूज किया उसकी कितनी है 7430 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू यील्डिंग स्ट्रेस 250 मेगापास्कल ओवर 0.85 इनटू 20 वी हैव कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और इफेक्टिव प्लेन विड्थ अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर कैलकुलेट की 2125 मिलीमीटर। तो बाय चांस ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 50 मिलीमीटर आई जो कि हमने अज्यूम की थी, कोइंसिडेंटली सेम वैल्यू एज द अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास वैल्यू आई क्योंकि ए की वैल्यू वही आ रही जो हमने अज्यूम की थी। यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है वो ओके, ए की वैल्यू डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ए बाय बीटा वन, ए हमारे पास 50 मिलीमीटर है और बीटा हमारे पास 0.85 है, तो जो वैल्यू आई सी की दैट इज 58.9 मिलीमीटर। अब अगर की वैल्यू थिकनेस ऑफ द स्लैब से कम आती है मींस के न्यूट्रल एक्सिस लाइन विद इन द स्लैब, अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो मींस के आउट ऑफ द स्लैब ब्लास्ट न्यूट्रल एक्सिस लाइन कर रहा है। यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी 58.9 मिलीमीटर थी और थिकनेस ऑफ द स्लैब हमारे पास 100 मिलीमीटर है, तो की वैल्यू थिकनेस ऑफ द स्लैब से कम है इट मींस ओके और न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द स्लैब। अब हम नॉमिनल मूवमेंट
है वो 413.2 किलो न्यूटन मीटर की कैरी कर सकता है, और जो फैक्टर्ड मोमेंट हमारे लोड्स की वजह से जनरेट हो रही है वो 381.41 किलो न्यूटन मीटर है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोवाइडेड सेक्शन है वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, जिस वजह से हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है और हम आगे मूव करते हैं। किलोग्राम टू किलो न्यूटन डिवाइड बाय 1000, तो अल्टीमेट फैक्टर लोड जो हमारे पास आया वो 40.02
हमारा ओके कंसीडर करते हैं और आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन फॉर शियर कनेक्टर। अब शियर कनेक्टर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं कि टोटल जो मैक्सिमम शियर है वो भी लेसर ऑफ तीन कंडीशन की शियर के लिए। एक कंडीशन क्या थी, कंक्रीट का शियर कितना है, स्टील का शियर कितना है और सम ऑफ क्यू एन, यानी कि के जो जितने आपके कनेक्टर्स हैं उनका टोटल ओवरऑल सम कितना आ रहा है। ये तीनों कंडीशन को हम कंसिडर करने के बाद जो है कम्युलेटिवली एक जो कम वैल्यू थी उसको हम चूज करते थे। अब हमारे पास शेयर कनेक्टर्स की फिलहाल वैल्यू नहीं है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि वी डैश विल बी लेसर ऑफ कंक्रीट का पोर्शन और स्टील का पोर्शन। कंक्रीट की वैल्यू क्या थी, 0.85 एफ वी डैश इनटू क्रॉस सेक्शनल कंक्रीट एरिया। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाती हैं 3612.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ स्टील इनटू एफवाई, एरिया ऑफ स्टील का सेक्शन आपने प्रोवाइड किया है 18.50 है जो 1807.5 किलोमीटर आ जाता है। इसी तरह से दोनों वैल्यूज में से जो हमने चूज की है शेयर स्पैन जो हमारे पास आ रही है फैक्टर शेयर स्पैन जो 1807.5 किलोमीटर है। सो अगर हम हमें कंडीशन क्या गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि हमने 20/80 मिलीमीटर के लिए जो है वो शेयर कनेक्टर या इंटर कनेक्टर प्रोवाइड करने हैं कवर एट द टॉप विद 20 मिलीमीटर विच इज लेस देन 25 मिलीमीटर जो कि मिनिमम कवर हमें 25 मिलीमीटर का मैक्सिमम कवर सॉरी गिवन था। तो हम जो कि जो कम है 25 मिलीमीटर, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्टर कनेक्टर है वो 15 मिलीमीटर/60 मिलीमीटर का प्रोवाइड करते हैं। अब 15 मिलीमीटर/60 मिलीमीटर का अगर हम कवर प्रोवाइड करते हैं तो हम एच ओवर डी का रेशो भी पहले चेक करेंगे, इसको हम मजीद आगे। सबसे पहले तो आप एच बाई डी का रेशो चेक करो 16/15 मिलीमीटर यानी कि 4 या 4 से ज्यादा आना चाहिए, हमारे पास 4 आ रहा है। एरिया ऑफ स्टर कनेक्टर हमने 5/4d² से निकाला 176.7 मिलीमीटर² और सब लास्ट में 4700 एफ सी डैश का आपके पास जो वैल्यू आई वो 21019 मेगा पास्कल आ गई। क्यू एन की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं 0.85 इनटू एरिया ऑफ स्टर शेयर कनेक्टर इनटू एफ सी डैश इनटू व्हाट सब लास्ट में शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी इनटू आर सी इनटू एरिया ऑफ शेयर कनेक्टर इनटू अल्टीमेट शेयर स्क्वायर। अब ये हमारे पास टोटल में वैल्यू की आर जी और आर सी हम वन कंसिडर कर रहे हैं, तो क्यू एन की जो फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास टोटल वैल्यू आई 57.28 किलोन्यूटन और जो जो कि कम होनी चाहिए 70.6 किलोन्यूटन से। दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास जो है वो कम आ रही है, तो शेयर कनेक्टर एक की जो वैल्यू आई वो 57.28 किलोन्यूटन आ गई। अब हम टोटल जो है वो कम्युलेटिव किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ शेयर कनेक्टर फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर कनेक्टर क्या होता है, बिटवीन मैक्सिमम पेनिंग